हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजू का किचन घर। आज हमारे किचन में बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन रहा है। इस नाश्ता को हमने बिना घी और तेल के बनाया है। इसे हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाया है। इसमें हमने दही और सूजी का यूज़ किया है और बहुत सारे हरी वेजिटेबल का यूज़ किया है। बच्चे ऐसे सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन इस नाश्ता को हमने बहुत हेल्दी बना दिया है कि बच्चे खाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा और उनके पेट में सब्जी भी चली जाएगी। तो चलिए इस नाश्ता को बनाना शुरू करते हैं। इस नाश्ता को बनाने के लिए हमने 1 कप सूजी लिया है। सूजी आप मोटी महीन कोई भी ले सकते हैं। और 1 कप सूजी में हमने 1/2 कप दही डाला है। दही हमारा खट्टा है, थोड़ा खट्टा दही होता है तो ये नाश्ता बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा इसमें हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और गाजर को क्रश करके डाला है। ये सब सब्जी की कोई क्वांटिटी नहीं है, इसे आप थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ और थोड़ा सा मिर्च डाल रही हूँ। छोटे बच्चों के लिए भी बना रही हैं तो आप मिर्च कम ही डालिएगा। अब सारे को हम मिला लेंगे। आपने अगर फ्रेंड हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें हमने पानी डाल दिया है। और आप इस वीडियो को आप किस शहर से देख रहे हैं और आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और किस शहर से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, हमें भी पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक जा रही है। अब ये बैटर नाश्ता बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम कटोरी को तैयार कर लेंगे, इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे। इसे चिकना कर लेंगे तो नाश्ता हमारा बहुत अच्छे से इसमें बनेगा और आसानी से निकल जाएगा। सारे कटोरी को हमने चिकना कर लिया है। आप किसी और भी बर्तन में बना सकते हैं, जिसमें आपकी मर्जी हो आप उसमें बना लीजिएगा। और ये बहुत हेल्दी नाश्ता है, इसे आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपने ये नाश्ता बनाया तो कैसा बना। अब 10 मिनट हो गया है और हमारा बैटर भी बहुत अच्छा तैयार हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा सा इनो डाल देंगे। इनो अपने नाश्ता के हिसाब से डाल देना है। और अब इसको थोड़ा सा हम फेंट लेंगे, ज़्यादा फेंटेंगे नहीं, नहीं तो इनो हमारा वर्क करना बंद कर देगा और नाश्ता हमारा ख़राब हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्लफी नहीं बनेगा। अब नाश्ते को हम सारे कटोरी में डाल देंगे। सारे कटोरी में हमने नाश्ता को डाल दिया है। और गैस पर हमने एक कढ़ाई में, आप कढ़ाई टोपिया किसी भी बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। अब पानी में उबाल आ गया है, पानी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इस पर से हम कवर को हटा देंगे और इस पानी के अंदर एक स्टैंड को रखेंगे। अब इस स्टैंड पर हम एक एक कटोरी आराम से इसे इसके ऊपर रखना है। हाथ में आपके भाप न लगे इस बात का आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बैटर ज़्यादा हो गया है तो उसे हमने इस प्लेट में निकाल दिया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम कवर को हटाएंगे और अपने नाश्ते को चेक भी करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं और कवर को मैं हटा रही हूँ। कवर हमने हटा दिया है और अब नाश्ते को चेक करने के लिए हमने इसमें चाकू डाला है। चाकू में नाश्ता नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब ये नाश्ता हमारा तैयार है। अब एक एक करके सारे को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडा हो गया है तो कटोरी में से इस नाश्ते को हम बाहर निकाल लेंगे। एक एक करके सारे नाश्ते को बाहर निकाल लेना है। सारे को हमने बाहर निकाल लिया है। देखिए नाश्ता हमारा बहुत ही फ्लफी और बहुत अच्छा बना है। अब इस नाश्ते को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए गैस पर हमने एक ग्रिल तवा रखा है और इसमें 1 चम्मच सिर्फ हमने तेल डाला है। 1 चम्मच तेल में ही ये पूरा नाश्ता बना है। इसमें सरसों का दाना डाल दी हूँ और थोड़ा सा सफ़ेद तेल डाल दी हूँ। सफ़ेद तेल का तड़का इसमें बहुत ही नाश्ते को टेस्टी बना देता है। थोड़ा सा इसमें हमने चिली फ्लेक्स भी डाला है। अब एक एक करके नाश्ते को इसमें रखेंगे। नाश्ते को इसमें रखने से पहले सारे छौंक को हम तवे पे फैला देंगे और एक एक करके इसमें रखेंगे। नाश्ते को पकाना नहीं है क्योंकि पका हुआ तो ये पहले से ही है, इसे पलट देंगे।
इस नाश्ते में शौक चाहे तो हम चम्मच में तेल डालकर फिर उसमें सरसों का दाना और सफेद तिल डालकर भी तड़का इस नाश्ते के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह से तड़का लगाते हैं तो सारा तड़का हमारे नाश्ते पे लिपट जाता है, तो नाश्ता देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब सारे पे तड़का अच्छी तरह से फैल गया है तो थोड़ा सा हमने इस पर धनिया पत्ता डाल दिया है और अब ये नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से बनाइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इसे हम सर्व करेंगे और इसे आप चटनी या सॉस किसी के भी साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।